What's good on guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to the video. And guys, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अपन लोग आ चुके हैं GTA 5 face to face challenge में once again. And guys, यहाँ पर भाई मिस्टर चॉप ने अपन से छोटी गाड़ी लेके क्लच मार दिया है दोस्तों. भाई आपकी गाड़ी भले दिखती तेज है लेकिन मेरे से गाड़ी को पीछे कभी नहीं कर पाएगी ब्रो. अरे मेरी गाड़ी को कैसे नहीं पीछे कर पाएगी, मैं भी देखता हूँ ब्रो. आजा आजा भाई. क्या चप तो कर रहे गाइज, बट ये कहीं मूव ना खेल दे. आ रहे उल्लू बना दिया भाई. बताओ इतना ज्यादा स्पीड में आ गया, मैं ब्रेक ही नहीं काम किए यार मेरी कार के. भाई आपके चक्कर में मैं भी गिर गया ब्रो, मेरी गाड़ी के भी ब्रेक फेल हो गए. अबे इस प्लेटफॉर्म के साथ कोई दिक्कत है दोस्त, मैं बता रहा हूँ तुमको. अबे मारना बंद करेगा भाई, ये क्या था, इतनी छोटी गाड़ी ने भाई हमें नीचे गिरा दिया दोस्तों. बेइज्जती से भाई मेरा मतलब शर्म से पानी पानी हो गया भाई. भाई अभी देखो आपको बताता हूँ, ये देख रहे हो छोटी सी गाड़ी से आपका रास्ता ब्लॉक करूंगा मैं. अरे रास्ता ब्लॉक करने के चक्कर में दोस्त मर मर जाओगे, फिर मेरे को बोलोगे ये लो भाई. कुछ ज्यादा हीरो नहीं बन रहा था गाइज. माना कि भाई एक बार इस बंदे ने हमें नीचे गिरा दिया, लेकिन दोस्त बार बार तुम्हारी किस्मत काम नहीं करेगी भाई. और दोस्तों ओ भाई एकदम परफेक्ट गाड़ी मिली है गाइज, ये देखो. अब बस एक बार ये भाई बस घूम जाए. ऊपर से भाई ये नॉर्मल बस नहीं है, फोर सीटर बस है भाई. इतनी बड़ी भाई बस है, ऊपर से इतने क्लोज में इन लोगों ने सीट लगा दिया. अंदर में जो लोग जाएंगे भाई उनके लिए बुरा लग रहा है मेरे को. तो भाई अपने लिए बुरा लगाओ भाई, अभी आपके पास टाइप नहीं है दूसरों के बारे में सोचने का ब्रो. अरे दोस्त तुम अपने आप को ज्यादा हीरो समझ रहे हो दोस्त, आ जाओ. और यहाँ पर भाई मेरे को लगा यार रोक तो पाएगी हमारी बस को, लेकिन अगेन गाइस साइज मैटर्स, ठीक है. इतनी छोटी गाड़ी कैसे ही रोकेगी भाई. और चौप अब तुम्हें अपना सबक मिल गया. अरे भैया ये तो भाई अभी भी नहीं सीख रहा है, देख रहे हो भाई खाली रोड में कैसे गिर गया तू. तो भाई बस सच बता रहा हूँ, मैंने आपको मारने के लिए गाड़ी आगे बढ़ाई थी, लेकिन आपने यार गाड़ी को इनविजिबिलिटी में निकाल दिया ब्रो. अरे इनविजिबल मैं नहीं तू था भाई, लेकिन छोड़ो हटाओ. अभी तो तुम्हें दूसरी नहीं तीसरी नहीं चौथी बार नीचे गिरा दिया है, क्या ही बताओ भाई. अब काफी बदला ले लिया है गाइज, आई थिंक दिस इज इनफ, क्या बोलते हो. तो भाई तो फिर ब्रेक क्यों मार रहे हो. लेकिन दोस्त इनफ इज नॉट इनफ, और ये गया फिर से नीचे. वैसे सच बताओ तो मेरे को लगा था यार ये बंदा अपने को धक्का दे देगा, मतलब मैंने आउट ऑफ एक्सपेरिमेंट यार रोका था गाड़ी. लेकिन जैसा कि आप लोग देख सकते हो मिस्टर चॉप की गाड़ी में ना ही पावर है और ना ही चॉप के भेजे में दिमाग, क्योंकि ये आ रहा है फिर से वही गलती करने. ओ अरे अरे भाई ये क्या किया तूने. तो भाई इससे पहले कि आप मेरे को मार सको मैं खुद ही को मार लूंगा भाई. अरे ये क्या लॉजिक है ब्रो, ट्राई तो करता, क्या पता मैं तेरे को जाने देता. लेकिन खैर हटाओ, मैं अभी भाई किस नूब पे उम्मीदें लगा के बैठा हूँ. जल्दी से यहाँ पे चेक पॉइंट लेते हैं गाइज और देखते हैं कौन सी गाड़ी. अरे गाड़ी छोड़ो बाइक छोड़ो भाई, साइकिल दे दिया इन लोगों ने भाई. तो भाई आपने बहुत ट्रोल किया है मेरे को, अब गेम आपको ट्रोल करेगा भाई, रेडी हो जाओ. अरे रेडी वेडी नहीं हो रहा हूँ मैं, आओ तुमको बताते हैं अपन लोग. साइकिल की एक सबसे बड़ी खासियत है गाइज, और वो ये है कि ये एकदम तुरंत लेफ्ट और राइट जा सकती है. और चॉप का बच्चा कभी गैस भी नहीं मार पाएगा कि मैं लेफ्ट टर्न मारूंगा या फिर राइट. इट्स लाइक पेनाल्टी किक होता है ना भाई, जब आप फुटबॉल में यार पेनाल्टी करते हो तो उस समय कैसे एक बंदा स्ट्राइक करता है गोल के अंदर और आपको गैस मारना होता है बॉल लेफ्ट जाएगी या राइट जाएगी, वैसे ही गाइज इतना डिफिकल्ट लेवल पे अपन लोग साइकिल के साथ गेम बना सकते हैं चॉप के अगेंस्ट. लेकिन वो फर्क नहीं पड़ता है दोस्त, क्योंकि अभी हम लोगों को मिल चुकी है सुपर कार और चॉप आ रहा है बस लेके यार. अरे भाई जगह दे दो मेरे को, एक सेकंड रुको मेरे को देखने दो. ओ नहीं भाई बस को नहीं गिरा सकते, ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया गाइज. मतलब मैंने सोचा क्या था भाई बस गिरा दूंगा मैं सीरियसली ब्रो. तो भाई लेकिन आपने कोशिश बहुत अच्छी की थी भाई, बस का पीछे वाला हिस्सा पूरा आसमान में चला गया था. अरे लेकिन गिरा नहीं पाया दोस्त, इसीलिए जिस चीज को मैं एक बार नहीं हरा पाता उसके बगल से चला जाता हूँ, है ना. अच्छी ट्रिक, अब गाइज बस इसी ट्रिक को हम लोगों को कीप अप करके रखना है. और ओ अभी तो रैंप कार मिल गई ब्रोज, अब टाइम है इस बंदे को दिखाने का कि अपन लोग कैसे हवा में उछाल उछाल के मारते हैं. तो भाई मेरे पास भी कोई वाहियात गाड़ी ही है भाई, मार लो भाई क्या ही मिलेगा आपको मार के मेरे को. अरे सुकून मिलेगा दोस्त, आई होप कि इसकी गाड़ी फट जाए, प्लीज गाड़ी फट जाए. और ओ भाई जो सोचा था वही हुआ दोस्तों, और अब तो भाई इतना मजा आया है मेरे को. एक और बार तो एक्शन बनता है दोस्तों, फटाफट से रिस्पॉन्ड करके फिर से यहाँ पर ट्राई करते हैं मिस्टर चॉप का बैट बजाने का. और फिर से फुल स्पीड में रैंप कार यहाँ पर हो चुकी है, मिस्टर चॉप सामने से आ रहे हैं. अब देखना यह है कि क्या हमारी रैंप कार इनको फिर से पलटा पाएगी. और ये एकदम शानदार तरीके से, अरे नहीं, अरे भैया इसने लैंड करा ली यार. अच्छा लैंड नहीं कराई, ये तो अभी भी साइडवेज ही खड़ा है. रुको मैं आ रहा हूँ दोस्त. तो भाई साइडवेज नहीं खड़ा था, मेरी गाड़ी लास्ट में गिर गई ब्रो. अरे कोई बात नहीं दोस्त, अपन आ रहे लेना फिर से बैट बजाएंगे, टेंशन मत लो. और ये ले भाई प्लीज फट जा, फट तेरी ऐसी की तैसी. तो भाई आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, इस बार आपके टिप्स एंड ट्रिक्स समझ गया मैं. आराम से लैंड करा के ले जाना चाहता था लेकिन पानी में गिरा दिया आपने यार. अरे भैया पानी में कैसे बचाओगे खुद को, ये लो दोस्त. अरे अरे मर कैसे नहीं रहा ये.
दोस्त भाई कुछ ज्यादा लंबी गाड़ी लेके नहीं आ गए भाई, इसके अंदर पावर बहुत कम है, मेरे को गिरा नहीं पाएगी दोस्त। अरे गिरा तो दोस्त हम पाएंगे ही, रुको रुको बताते हैं तुमको, पीछे से लाने दो एक बार फुल स्पीड में। ऑल राइट हटना मत, बस वहीं पे इंतजार करो। अब देखो तुम्हें पावर देखनी है ना फ्रॉस्टी भाई, आ जाओ भाई आज देख ही लेता हूं। अरे नहीं यार साइड में गिरा दिया, शिट आपको पीछे मारना चाहिए था फ्रॉस्टी भाई। अरे तुम बताओगे भाई कहां मारना चाहिए था। वाह फ्रॉस्टी भाई देखो आपने चीटिंग किया भाई, मेरे को रीमैच चाहिए, पहले वापस आओ मेरे पास। अरे वापस वापस नहीं आ रहा मैं समझा, तू आ भाई इधर से, अगर फेस टू फेस करना है तो कर, रिस्पॉन विस्पॉन लेने के चक्कर में भाई बहुत नुकसान हो जाएगा हम लोगों का दोस्त, ऊपर से समय भी यहाँ पे अच्छा खासा निकल चुका है मेरे को भाई, जल्दी से रेस कंप्लीट करना है गाइस। और गाड़ी तो भाई एकदम बकवास वाली मिली है, इस गाड़ी को पता नहीं क्यों ही चूज किया था, इससे अच्छा तो भाई मिस्टर बीन वाली गाड़ी थी जो चॉप ने चूज की थी। ओए कहाँ रे टाको वाले भैया, अरे अरे गिरा रहा है भाई। ओ क्लच मूव गाइस, देखा एकदम क्लच गॉड की तरह यहाँ पर अपना जान तो बचा लिया मैंने, बट शिट मेरे को जहाँ से शुरू किया था वही ले आया इस बंदे ने। भाई देखो साइकिल बना हुआ, आराम से जाने दो, मैं आपको कुछ नहीं करूंगा, आप भी मेरे को कुछ नहीं करना भाई। अबे तू कुछ कर भी नहीं पाएगा बच्चे, मेरे को बोल रहे हैं देख रहे हो। अरे 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 मौके पर चौका मार के निकल रहा है, तेरे को क्या लगता है तू भाई इस गाड़ी से आगे निकल जाएगा। आजा भाई चला ले अपने पैर जितना तेज चला सकता है तू। गाइस देख लो चॉप को कैसे भाग रहा है, लेकिन अफसोस तुम्हारी मौत हमारे हाथों लिखी है दोस्त। चलो समुंदर के अंदर साइकिल चलाना जाके। फोटो भाई समुंदर के अंदर अगर साइकिल चलाया जा सकता तो भाई मैं यहाँ पे जमीन पे कभी चलाता ही नहीं। अरे दोस्त फिर से तुम रास्ते में आ गए, मर के यार तुमको पता नहीं चला क्या एक बार में। अरे नहीं इसको देखने के चक्कर में मैं भी गिर गया। भाई यार ये क्या हो रहा है, इसके मरते के साथ मैं भी कैसे मर जा रहा हूँ गाइस। फोटो भाई आपको श्राप लग गया है ब्रो, अगर मेरे को नीचे गिराओगे तो आपकी गाड़ी भी ऑटोमेटिकली नीचे चली जाएगी। अबे नूबड़े मर जाना। भाई यार फिर से नौटंकी कर दी भाई इस बंदे ने, मतलब जैसे ही मारा मेरी गाड़ी के बोनट के ऊपर आ गया। और इसको गिराना भाई हम लोगों के लिए कंपलसरी है गाइस। ये देखो ये क्या था भाई, इस बार तू ये मरा भी नहीं, व्हाट द हेल, मेरे को यार इसको मारना है भाई। चॉप याद रखियो तू बचेगा नहीं, अगर तू इस बार बच भी गया तो भूलना मत दोस्त, मेरे पास अभी आने वाली है नाक वाली ट्रक, एंड उस नाक वाली ट्रक से भाई तेरे धज्जा ना उड़ा देना। मेरा नाम भी फ्रॉस्टी भाई नहीं है ब्रो। भाई यार आप इतनी तेजी से कैसे कैचअप कर रहे हो भाई। दोस्त तुम्हें बोला जरा हल्के में नहीं लेने का अपने को, चाल निकाल साइड में। अरे बच गया भाई, ये क्या रॉटिंग की है भाई, मेरे स्क्रीन पे यार एकदम क्लियर कोलिजन हुआ था। लेकिन छोड़ो गाइस अब क्या ही कर सकते हैं, अब चॉप को मैंने प्रॉमिस किया था कि भाई उसको डिस्ट्रॉय करेंगे तो डिस्ट्रॉय जरूर करेंगे। अरे कहां जा रहे हो दोस्त। तो भाई आता हूं जरा, अरे गाड़ी पलट गई भाई, ब्रेक तो काम ही नहीं कर रहे ब्रो किसी भी गाड़ी के आज। अरे किसी कार के ब्रेक नहीं काम कर रहे भाई, अभी मैंने लिटरली बता रहा हूं, मैं आज जितनी बार अपनी गाड़ी लेके गया हूं ना हर बार गाइस गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाती है। देखो अभी फिर से फेल हो गए, मतलब लास्ट मोमेंट पे ब्रेक मारे चाहे बंदा ना मारे बात बराबर ही है गाइस। और यहां पे चॉप फिर से हम लोगों को क्या करने की कोशिश कर रहा है, बे नू मेरे से बचेगा तू। तो भाई बच तो नहीं सकता हूं इसलिए आपको डॉज कर रहा था भाई। अबे यार आप लोगों को लग रहा होगा गाइस मैं जानबूझ के गाड़ी गिरा रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं मैं जानबूझ के बिल्कुल नहीं गिरा रहा। आपको अगर नहीं यकीन हो रहा है तो आप जमीन के ऊपर देख लो यार, टायर के बर्न मार्क्स आ रहे हैं, मतलब ब्रेक इतना जोर से दबा रहा हूं मैं फिर भी ये गाड़ी नहीं रुकती है। वो भाई कुछ क्या कर रहा था चॉप के बच्चे तू। तो भाई मैं सोच रहा था कि मस्त यू टर्न मार के आपको पानी में गिराऊंगा भाई। दोस्त इतना आसान होता ना अगर यू टर्न मार के इतनी बड़ी गाड़ी को पानी में गिराना तो फिर फैंटम ट्रक से डरते थोड़ी लोग। ये देखो भाई कैसे आ रहा था नूबड़ा, जितनी स्पीड में आया उतनी तेजी से निकल गया दोस्त। इसको प्रोनेस बोलते हो तुम, शर्म आनी चाहिए भाई तुम्हारे ऐसे लड़कों को, जाओ गेम अनइंस्टॉल कर दो भाई। तो भाई गेम अनइंस्टॉल तो आप करोगे, मेरे को भी बनने दो नाक वाले ट्रक, भूलो मत दोस्त, मेरे पास भी आएगा ना जब तो आपकी बैंड बजा सकता हूँ मैं फ्रॉस्टी भाई। अरे जानता हूँ भाई जानता हूँ, इसीलिए तो तुम्हारी बैंड इतनी बार बजा रहा हूँ कि जब तुम्हारा टाइम आए उसके पहले ही अपन लोग रेस फिनिश कर जाए। अबे ग्राइंड नहीं करना होता है भाई नाक वाली ट्रक को। ऑलराइट लेट्स गो गाइस, फिर से हम लोग को यहाँ पर स्पीड मिल चुकी है, मिस्टर चॉप तो आगे निकल गया। ओके गाड़ी लेके आ रहा है। अबे रैंप कार के बच्चे तू रैंप कार से मारेगा मेरे को, चल निकल। ओ भाई गलत लोगों से पंगा ले लिया गाइस। ऑलराइट गाड़ी बदल चुकी है, आई डोंट थिंक इस गाड़ी पे रैंप कार का असर होगा, बट चलो देखते हैं। और ऑलराइट आराम से, ये देखो भाई लैंड करा दिया ना। बोलता हूं भाई ये चॉप का बच्चा नूब है गाइस, सुनता ही नहीं हमारी बातें। फॉक्ट भाई जरा पीछे तो देखो भाई। अरे पीछे आगे क्या कर रहे हो दोस्त, तुम चलो पानी के अंदर। अबे अबे ओपे ये क्या नोटिंग किया भाई, ये बच गया मैं नीचे गिर गया गाइस, व्हाट द हेल। और एक बात बताओ मेरे को, रैंप कार यार साइडवेज कब से गाड़ियां उछालने लग गई भाई, अपन लोग ने इसको साइडवेज मारा था जानबूझ करके कि भाई वही एक तरीका है, वही एक वीक पॉइंट होता है रैंप कार का, अगर आप वहां पर अटैक करो ना गाइस तो रैंप कार नीचे गिर सकती है। बट पहली बार मैं देख रहा हूं किसी रैंप कार ने साइडवेज भी हमारी गाड़ी को उछाल दिया। गाइस बहुत हो गया है, अब तो इस बंदे को बताना ही पड़ेगा। ओ भाई लिमोजीन की यार क्या पचका दिया भाई आगे से। अबे अबे ऊपर से जाने तो क्या कर रहे हो भाई। फॉक्ट भाई आपके पास पावर नहीं है हमारे ऊपर से जा सको, मॉन्स्टर ट्रक समझ के रखा है क्या खुद को। अबे मॉन्स्टर ट्रक नहीं समझा है भाई, मॉन्स्टर गाड़ी समझ के चल रहे अपन लोग। ऑलराइट तीन पहिया वाली बाइक, ये बाइक तो भाई बहुत ही मस्त बाइक है, मतलब नॉर्मल वाले से बेटर नहीं है गाइस, बट जो गाड़ियां देते हैं ये लोग उससे तो वे बेटर है, मतलब इससे लेफ्ट राइट करने में इतनी आसानी होती है ना। रुको मैं आप लोगों को दिखाता हूं, अभी देखना चॉप सामने से आएगा एंड अपन लोग इतना क्लच मूव मारेंगे। ये देख रहे हो, अरे भैया अभी तो मैंने गलती भी की थी
थी और उस गलती को कितना जल्दी सुधार लिया गाइज। कोई और गाड़ी होती तो अभी तक भाई भगवान का नाम ले चुकी होती। ओ भाई साहब चेर्नोबोग मिल गया भाई, मैंने तो कुछ छोटा सा मांगा था, इन लोगों ने बहुत बड़ा सा चीज नहीं दे दिया। तो भाई यार गलती हो गई भाई, आपको मारना नहीं चाहिए था, देखो मेरे पास मिस्टर बीन की गाड़ी है, जाने दो ब्रो। अरे दोस्त तुम्हारा अब क्या होगा कालिया, तुम्हारा तो बैंड बजा दूंगा मैं भाई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कहां से जाओगे तुम, आगे तो रास्ता ब्लॉक है दोस्त, ये लो साइड से रास्ता दे रहा हूँ तुमको। तो भाई सॉरी लेकिन मेरी गाड़ी का चक्का निकल के आ रहा है, पहले लेने आ रहा था भाई, उड़ा दिया आपने मेरे को। तो गाइस बहुत बुरा हुआ है मिस्टर चॉप के साथ, तो चॉप तुम आओ दोस्त, अपन लोग निकलते हैं। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, तो जिस मोमेंट का आप सभी को इंतजार था वो मोमेंट फाइनली आ चुका है, अब टाइम है भाई हम लोगों का फिनिश करने का। जी हाँ फिनिश लाइन इज फाइनली हियर एंड हमारे सामने एक ही चुनौती खड़ी है, उसका नाम है चॉप। तो अगर आप चाहते हो चॉप को हरा के हम लोग फिनिश कर दे, तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो एंड चैनल पर नए हो तो मेरे दोस्तों सब्सक्राइब जरूर से कर देना। एंड क्या हुआ भाई, इसको तो उछाल के फेंक दिया मैंने। तो भाई देखो कुछ कुछ तो हुआ भाई, अपन दोनों की गाड़ी सेम सेम थी, आप कैसे जीत गए ब्रो? दोस्त क्योंकि मैं ज्यादा ट्रेनिंग करता हूँ, समझ गया, तुमसे ज्यादा बिग ब्रेन है मेरे पास, इसलिए बोलता हूँ अपने साइज वालों से पंगा लो। अरे अरे गाड़ी को क्या हो रहा है भाई, इसके चक्के जमीन के अंदर घुस गए, मैं तीन बार मरते मरते बचाओ गाइज। एनीवेज दैट इज इट फॉर टुडेस वीडियो गाइज, ये देखो लूबड़ा चॉप मारने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।